अब ऐसे में बड़ा सवाल यही, क्या फिनलैंड का हाल भी यूक्रेन जैसा होने वाला है? क्या अब यूक्रेन के बाद फिनलैंड में नया वॉरलैंड बनने जा रहा है? रूस की नेटो को सबसे नई चेतावनी के बाद इस क्षेत्र में एक बार फिर से जंग के बादल छाने लगे हैं। रूस की नाटो को दो टूक, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। नाटो में जाएगा फिनलैंड, पुतिन बनाएंगे एक और वॉरलैंड। क्या दुनिया एक और महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या रूस फिनलैंड पर अटैक करेगा? क्या फिनलैंड भी नाटो के जाल में फंस जाएगा? क्या फिनलैंड का हाल भी यूक्रेन जैसा होगा? फिनलैंड आज जहां खड़ा है, करीब दो महीने पहले यूक्रेन भी वही था, वो भी नाटो में शामिल होने जा रहा था, जिसे लेकर रूस पहले उसे चेतावनी देता रहा और फिर अटैक कर दिया। अब फिनलैंड नाटो में शामिल होने जा रहा है और अब रूस फिनलैंड को धमका रहा है। असल में रूस को डर है फिनलैंड नाटो में शामिल होता है तो नाटो उसकी जमीन के और करीब आने में कामयाब हो जाएगा, जो पुतिन नहीं चाहते। यही वजह है अब रूस ने सीधे सीधे नाटो को दो टूक कह दिया। अगर नाटो रूस की सीमा के करीब आता है और हथियारों का जखीरा उसकी सीमा के पास जमा करता है तो रूस करारा पलटवार करेगा। रूस की नाटो को धमकी, पास आए तो पछताओगे। नाटो का विस्तार रूस के लिए संवेदनशील मुद्दा है, वो इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताता है। यूक्रेन पर हमले के लिए भी वो इसे ही बड़ी वजह बताता रहा है। यूक्रेन की रूस के साथ 2200 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा है। रूस का मानना है अगर यूक्रेन नाटो से जुड़ता है तो नाटो सेनाएं यूक्रेन के बहाने रूसी सीमा तक पहुँच जाएंगी। ऐसे में रूस की राजधानी मॉस्को की पश्चिमी देशों से दूरी केवल 640 किलोमीटर रह जाएगी। अभी ये दूरी करीब 1600 किलोमीटर है। यहाँ ये जान लेना भी बेहद जरूरी है, रूस के आसपास पूर्वी यूरोप में नाटो और अमेरिकी सेनाएं कहाँ कहाँ तैनात हैं। पोलैंड 1060 नाटो सैनिक, 5400 अमेरिकी सैनिक। रोमानिया 4500 नाटो सैनिक, 1000 अमेरिकी सैनिक। बुल्गारिया 200 नाटो सैनिक, 200 अमेरिकी सैनिक। लिथुआनिया 1100 नाटो सैनिक, 500 अमेरिकी सैनिक। एस्टोनिया 1150 नाटो सैनिक। लातविया 1640 नाटो सैनिक। अब ऐसे में फिनलैंड भी नाटो में शामिल होता है तो रूस की टेंशन बढ़नी तय है।